गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज अपने इंडिया के सबसे बड़े डेजर्ट थार डेजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी ओरिजिन, करैक्टरिस्टिक और जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में थार डेजर्ट की जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो स्टडी करेंगे अपने। तो राजस्थान राज्य हमारे देश का उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर में पंजाब, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं दिल्ली राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान 23° 3' से 30° 12' उत्तरी अक्षांश एवं 69° 30' से लेकर 78° 17' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर इसकी भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूर्व में गंगा यमुना के मैदान और दक्षिण में मालवा के पठार एवं उत्तर पूर्व में सतलुज एवं व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा हुआ है। 23° में उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा राजस्थान राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। अतः जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। विशेषतः इसका पश्चिम भाग शुष्क जलवायु का, मध्य पश्चिमी भाग एवं मध्य पूर्वी भाग अर्ध शुष्क जलवायु का एवं पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग में नम जलवायु का है। इस राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस के इक्वल है। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण 826 एवं पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर हैं या 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमाएँ जो हैं वो 5920 किलोमीटर है एवं पाकिस्तान से लगने वाली इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 342,239 किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.74% के इक्वल है। जबकि राज्य की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का मात्र 5.5% के बराबर है। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि तुलनात्मक दृष्टि से श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना एवं इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड से दुगने से भी बड़ा है और जापान से कुछ ही छोटा रह जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है और इसकी क्षेत्रफलता की विशालता के कारण इसमें भू आकृतियाँ, जलवायु, धरातल, मिट्टियाँ, वन एवं एग्रीकल्चर या सोशल एवं अर्थ इसकी इकोनॉमिक एवं रीति रिवाज हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब यदि राजस्थान के डेजर्ट की बात की जाए तो जो थार का डेजर्ट है वो यहाँ की सभी प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ होती है उसमें प्रतिकूल है और यहाँ वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। अर्थात ऐसे स्थल जहाँ पर सभी जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती है वो प्रतिकूल पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति एवं जंतुओं का लगभग अभाव पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर वनस्पति एवं जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पर उच्च तापमान एवं सूखे की कठिन परिस्थितियाँ भी पाई जाती हैं और तीव्र वायु की जो गतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। डेजर्ट में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो वर्षा की दर से अधिक पाई जाती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की दर यहाँ पर अधिक पाई जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने के कारण वायु में नमी की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे वनस्पति की भी कमियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर सर्दियों का तापमान अपेक्षाकृत कम एवं गर्मियों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। गर्मियों का तापमान जहां 45 से 50 डिग्री, जबकि सर्दियों का जो तापमान है वो माइनस में भी चला जाता है और वर्षा का जो औसत है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम यहां पर देखने को मिलता है। इस प्रकार अपने देखते हैं कि जो थार का जो डेजर्ट है उसकी जो
परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल पाई जाती हैं। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की प्रेजेंट फॉर्म और पोजीशन इंडिया के अंदर क्या है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित देश के पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यधिक कॉम्प्लेक्स और विविधता युक्त है। जहाँ पर एक ओर विशाल मरुभूभाग है वहीं दूसरी ओर क्या है मैदानी एवं पठारी भाग भी स्थित हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप भू आकृतिक इतिहास में होने वाली आंतरिक एवं जलवायु से नियंत्रित बाह्य शक्तियों द्वारा उत्पन्न क्रियाओं का प्रतिफल है। अगर अपने देखें तो राजस्थान को चार भागों में चार जो भौतिक विभाग हैं उनमें विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान का जो रेतीला शुष्क पार्ट है वो, तो राजस्थान को फिजियोक्रॉपिकल और फिजिकल डिवीज़न के अकॉर्डिंग फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका है वेस्टर्न डेजर्ट साइट्स। तो वेस्टर्न डेजर्ट साइट्स की बात करें तो इसे फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो रेतीला शुष्क मैदान है और दूसरा राजस्थान का अर्ध शुष्क मैदान है। अगर रेतीले शुष्क मैदान की बात की जाए तो पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान के 61% पार्ट पर फैला हुआ है और यह मरु प्रदेश अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भूभाग में स्थित है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इस प्रदेश में ईओसिन पीरियड एवं प्लास्टोसिन पीरियड के प्रारंभ तक बहुत से विस्तृत समुद्र था जिसके अवशेष विभिन्न चट्टानी समूहों में पाए जाते हैं। यह पश्चिमी बालू प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसको पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई 300 किलोमीटर की मानी जाती है। और इस मरु प्रदेश के अंतर्गत जो 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिनमें राज्य का 61% एरिया एवं 40% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती हैं। और यदि इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है और या इस एरिया को अपने 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो वर्षा है उसका औसत लगभग 50 सेंटीमीटर के लगभग आता है। यदि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर एवं झुंझुनू जिले जो हैं वो इस सीमा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें टोटल जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं और इस वर्षा बहुत कम होने के कारण इसे शुष्क सैंडी जोन भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भाग इसका रेतीला एवं बंजर है और जहाँ पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो विद्यमान रहती हैं। और इसी क्षेत्र से जो इंडिया एवं पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो भी गुजरती है जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। जालौर, जैसलमेर, सिरोही, सीकर, कुचामन के किलों की जो पहाड़ियां हैं वो प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 200 से 300 मीटर के लगभग पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि जो रेतीला शुष्क मैदान है वो 12 जिलों को कवर करता है। दूसरा जो पार्ट है वो इसमें राजस्थान का अर्ध शुष्क मैदान आता है। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के अंतर्गत अपने देखते हैं कि जो राजस्थान का अर्ध शुष्क भाग है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है और इसके अंतर्गत जो बागड़ का जो एरिया है वो आता है। अरावली पर्वत एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य यह क्षेत्र स्थित है और बायबोलर्स का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है। जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में छोटी छोटी पहाड़ियां और कुछ स्थलों पर ग्रिट, कांक्लोमरेट, नीस, शिस्त, ग्रेनाइट एवं चट्टानें भी दिखाई देती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में लूणी नदी जल प्रवाह क्षेत्र में यह मैदान अवस्थित है। 25 सेंटीमीटर की सम रेखा वाला यह क्षेत्र अर्ध शुष्क मैदान के क्षेत्र
मैदान में आता है। यह प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में भी आता है और इसके उत्तर में गग्गर नदी तथा इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह क्षेत्र लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में सीकर शेखावाटी क्षेत्र एवं पूर्वी भाग में लूणी नदी बहती है, जिससे जोधपुर बाड़मेर के अधिकांश भाग के अतिरिक्त जालौर सिरोही पाली जिले के पश्चिम भाग भी सम्मिलित हैं। यह संपूर्ण प्रदेश जलवायु की दृष्टि से शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश है, जिसे ट्रांजिशनल जलवायु की संज्ञा भी दी जाती है। इस प्रकार से अपने देखते हैं कि जो वेस्टर्न डेजर्ट साइट है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो शुष्क मैदान और दूसरा अर्धशुष्क मैदान। शुष्क मैदान में 12 जिले एवं अर्धशुष्क मैदान में जालौर जोधपुर बाड़मेर एवं जैसलमेर वाला जो एरिया है एवं लूनी बेसिन का जो एरिया है वो इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे यदि बात करें अरावली सीरीज और इसके जो माउंटेन्स है या अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो, तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की जो प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में यह पर्वत हिमालय से भी ऊंचे थे और परंतु भूगर्भिक इतिहास में इनका कुछ न कुछ इनमें कमी आ गई। आज ये केवल अवशिष्ट पर्वतों के रूप में भी उपलब्ध हैं। इनकी तुलना अमेरिका के अप्लेशियन पर्वतों से की जा सकती है। राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला क्रमवत रूप से उत्तर से पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम से होती हुई दिल्ली गुजरात तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। राजस्थान में यह श्रृंखला 550 किलोमीटर की लंबाई में खेतड़ी सिंगाणा से गुजरात तक विस्तृत है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि अरावली सीरीज और माउंटेन्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो इसका है वो है ईस्ट बेसिन प्लेन एरिया। तो इसमें क्या है, पूर्व का जो मैदानी क्षेत्र है वो इसमें लिया जाता है और इसमें जो उपजाऊ क्षेत्र है वो लिया जाता है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है और यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा में विभाजित है। राज्य के 23.3% पार्ट को इस मैदान ने घेर रखा है और यह मैदान गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित पाया जाता है और इस मैदान के अंतर्गत डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ एवं उदयपुर का जो एरिया है वो लिया जाता है, जिसे 56 के नाम से भी जाना जाता है और इसे आगे विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि चंबल का बेसिन। चंबल बेसिन के जन्म देने वाली जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जानापाव पहाड़ियों से निकलती है एवं उत्तर पश्चिम से निकलती हुई चौरासीगढ़ के समीप एक गार्ज को पार करते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो बनास बेसिन को लिया जाता है और जो थर्ड पार्ट है वो 56 के बेसिन में आता है। लास्ट इसका है ईस्टर्न साउदर्न हाड़ौती प्लेट या हाड़ौती पठार। राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए यह पठार चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में स्थित है और इसके अंतर्गत बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा को लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपने मैप में देख सकते हैं कि राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अरावली के उत्तर पूर्व का भाग, एक पूर्व पश्चिम का एवं एक दक्षिण का एवं दक्षिण पश्चिम का भाग। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है।